वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादिम पादरी नूबल सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम पेश करता है। आपका दिल पसंद प्रोग्राम प्रेयर ब्रेकफास्ट शो लिए हुए हाजिर हूँ बाइबल टीवी ग्लोबल स्टूडियो से। कैसे हैं जी आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। लंदन का वेदर जी आज -1 है और सर्दी बहुत ज्यादा हो चली है। अपना ख्याल रखें और गर्म कपड़े पहने, और उसके साथ साथ जो दूसरा बड़ा जो खतरा है वो कोरोना वायरस जो है उसका बहुत बड़ा खतरा है। तो प्लीज प्लीज अपने आप को बचाएं और दूसरों का भी ख्याल करें, अपना भी ख्याल रखें। सर्दी की शिद्दत जो है वो रोज रोज बढ़ती जा रही है और ये चाहते हैं कि आप महफूज रहें। खुदावन्द आपसे प्यार करता है और ये क्रिसमस की खुशियां जो है वो हम सब के लिए बहुत ही कीमती हैं। तो खुदावन्द में महफूज रहें। हम खुदावन्द का शुक्र अदा करते हैं इस सच्चे माध्यम के लिए जिसके जरिए हम आप तक पहुंचते हैं और हम सब मिलकर खुदावन्द के पाक कलाम को सीखते हैं। तो मैं उन बहन भाइयों को वेलकम कहना चाहता हूँ जो कि इस वक्त हमारे साथ सोशल मीडिया पर है और इस प्रोग्राम के इंतजार में होते हैं सुबह सवेरे। तो जनाब वेलकम टू ऑल माय फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स दोस हु आर वाचिंग दिस प्रोग्राम थ्रू सोशल मीडिया। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं जी आपका, आपकी मोहब्बत के लिए कि आपने अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, तमन्नाओं का इजहार किया। आपकी ग्रीटिंग के लिए रियली रियली थैंकफुल दैट यू हैव एक्सटेंडेड योर ग्रीटिंग ऑन माय बर्थडे। मुझे थोड़ा सा ये मलाल है बर्थडे का कि मैं जैसे करना चाह रहा था ड्यू टू दिस कोरोना वायरस उस तरीके से मैं नहीं कर पाया, क्योंकि मेरी ख्वाहिश थी कि आप लोगों के साथ मिलकर इसको सेलिब्रेट किया जाए। लेकिन आप सब जानते हैं कि इस कोरोना वायरस की वजह से पार्टीज जो हैं वो कंडक्ट नहीं की जा सकती। लेकिन उधार रहा जी, तो जैसे ही हालात ठीक होंगे हम एक अच्छी सी जो है शुक्रगुजारी की इबादत जो है उसको करेंगे और आपको दावत देंगे, आप जरूर इस इबादत में आइएगा। लेकिन ये मत सोचिए कि मैंने आपको याद नहीं रखा या मैंने आपको इंटेंशनली इग्नोर किया, ऐसी बात नहीं है। ऑनेस्टली आई वॉज वेरी सैड कि मेरा जो खानदान है वो आप हैं और आपको मैंने मिस किया। तो बहरहाल आई एम रियली थैंकफुल टू माई फैमिली के इतना अच्छा उन्होंने इंतजाम किया और मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपकी दुआएं मेरी शामले हाल रही। तो इस माध्यम से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आप सबका कि आप इतना प्यार करते हैं और इतनी फिक्र करते हैं। तो खुदा उन आपको बड़ी बरकत दे, तो इसी तरह ये प्यार जो है वो बढ़ता रहे और हम आगे बढ़ते जाएं। तो खुदा उनके नाम को जलाल देने के लिए जब हम इकट्ठे होते हैं तो चीज़ों हमें एक दूसरे की फिक्र करनी चाहिए। मैं बहुत ही इस बात के लिए खुश होता हूँ कि जब आप सुबह सवेरे मेरा साथ देते हैं और आप इस प्रोग्राम में आते हैं तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होती है। तो आइए, बातें तो होती रहेंगी और खुदाओं के पाक कलाम को लेकर आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपके लिए एक आयत जो है उसको फोकस करना चाहता हूँ, खुदाओं के पाक कलाम से हम देखेंगे यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 9वीं आयत से मैं आपके लिए खुदाओं का पाक कलाम तिलावत करूंगा। गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 9, उर्दू की बाइबल में सफा नंबर 81 पर है। यूं लिखा है, हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है दुनिया में आने को था। वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीले से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। अजीजो, एक बहुत बड़ा अलमिया है, खुदावन्द यीशु मसीह को जब हम देखते हैं, उनकी मोहब्बत को देखते हैं,
तो हमारे दिल शुक्रगुजारी से भर जाते हैं। मैं जब इस आयत पर गौर कर रहा था तो मैं देख रहा था कि गुनाहगार इंसानों ने एक बेगुनाह बच्चे को कबूल ना किया, जबकि वो जो कि बेगुनाह था उसने हम गुनाहगारों को कबूल कर लिया। थिंक अबाउट दैट, देयर वाज नो रूम फॉर हिम एंड देयर इज नो रूम फॉर हिम नाउ इन दिस 21st century। हमारे दिलों में शायद उसके लिए जगह नहीं है। व्हाई व्हाई, क्यों? हमने इसके बारे में ये सीखा कि बहुत सारे लोग उस दौर में जब परमेश्वर की पैदाइश हुई, देवर थिंकिंग अबाउट देमसेल्फ, अपने बारे में सोच रहे थे, अपने कारोबार के बारे में सोच रहे थे, अपने फायदे के बारे में सोच रहे थे। हेरोदेस, सराय का मालिक, दुनिया के लोग, देवर थिंकिंग अबाउट देमसेल्फ, वेयर एज गॉड इज थिंकिंग अबाउट अस, नॉट अबाउट हिमसेल्फ। खुदावन ने हमारी फिक्र की और हमें बचा लिया, वो अपनों में आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। बट इज ए गुड न्यूज। वो गुड न्यूज क्या है, खुशी की खबर क्या है? वो ये है कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। जब हम अपने पूरे दिल से उसे कबूल कर लेते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं, तो वो हमें अपने खानदान में शामिल कर लेता है। इन दिस मॉर्निंग आई वांट टू अर्ज यू, प्लीज एक्सेप्ट हिम, इनवाइट हिम इन योर हार्ट, अपने दिलों में उसको दावत दें, उसमें रख लें। एंड इन दिस सिनफुल वर्ल्ड, इस गुनाह और दुनिया में देयर आर गुड नंबर ऑफ पीपल, दोज हु आर सो स्टबर्न, सो सेल्फिश, दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट द लव ऑफ गॉड। एंड द जीसस क्राइस्ट इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, देयर इज नो नीड ऑफ एनी रिचुअल्स, religious rituals. You just need to accept him. You need to submit yourself. You need to surrender yourself to the hand of God. Khudaun ko kubul kijiye. He is a wonderful, wonderful gift from God. Aiye, aaj ehd kare ki wo jisne hum par nigaah ki, हमारे गुनाहों पर निगाह नहीं की, वो गुनाहगार से प्यार करता है लेकिन गुनाह से नफरत करता है, अगरचे वो खुदा की सूरत पर था, वो हमारे लिए इंसान बन गया। यशायाह 53 बाब बहुत खूबसूरत है, ये उस खादम की तस्वीर है कि हमने उसके कुछ कदर ना जानी, वो हमारी खातिर घायल किया, वो हमारी खातिर इस दुनिया में आया लेकिन हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। आइए उसकी कदर कीजिए, उसकी मोहब्बत की कदर कीजिए। इट्स अ ब्यूटीफुल प्रिंसिपल, लव बिगेट्स लव, मोहब्बत मोहब्बत का तकाजा करती है, खुदावन की मोहब्बत ये तकाजा करती है। और वो मोहब्बत कैसी है? वो लाजवाल मोहब्बत, वैसी मोहब्बत है जो देने का नाम है, लेने का नाम नहीं। अगापे लव, सेल्फ गिविंग लव, सेक्रिफिशियल लव, ला तब्दील, अनचेंजेबल लव। खुदा उनकी मोहब्बत ला तब्दील है। दुनिया की मोहब्बतें चेंज होती हैं, तब्दील होती हैं, खुदगर्जी पाई जाती है, जाती मफादात पाए जाते हैं, बट द डिवाइन लव इज नॉट लाइक दैट। आइए उस मोहब्बत को अपनी जिंदगी में आने दें और उसको कबूल कीजिए पूरे दिल से। आइए हम
दुआ मांगे। खुदावन्द तेरा शुक्र करते हैं कि तूने मोहब्बत में पहल की। अरे प्यार खुदावन्द, गुनाहगार इंसानों ने खुदावन्द तुझे रद्द कर दिया, तुझे कबूल ना किया, लेकिन ऐ खुदावन्द जितनों ने तुझे कबूल किया तूने उनको खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी इस मोहब्बत के लिए। अरे प्यार खुदावन्द, हम तेरा शुक्र करते हैं रात की हिफाजत के लिए। अरे प्यार खुदावन्द, आज की इस सुबह के लिए जबकि तूने हमें जिंदों की जमीन पर रखा, क्योंकि वो लोग जो आज इस दुनिया में नहीं है हम हरगिज उनसे बेहतर नहीं। ये तेरा करम, तेरा फजल, तेरा तरस है कि खुदावन्द हमें संभालता है, हर रोज हमें तरोताजा करता है, हमें कुवत बख्शता है खुदावन्द, और तुझ कुवत बख्शने वाले में हम सब कुछ कर सकते हैं। प्यार खुदावन्द अपने लोगों को बड़ी बरकत देना। इस पूरे प्रोग्राम को हम तेरे हाथों में देते हैं। तेरे लोग जहां जहां भी इस प्रोग्राम का हिस्सा है तो सबके साथ हो, सबको अपनी पनाह में लिए रहे। यीशु के सुंदर नाम में ये दुआ मांगते हैं कि ऐसा हो कि इस मुल्क में जब आप सुबह उठें तो आपको ऐसे ही, जब आप आंख खोलें तो आपको ऐसी आवाजें जो हैं वो सुनने को मिले। म्यूजिक प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर एवरीडे लाइफ। तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि आप, मैं नहीं कहता कि आप न्यूज ना देखा करें या एंटरटेनमेंट जो है वो बुरी चीज है, लेकिन हेल्दी एंटरटेनमेंट जो है वो बड़ी अच्छी बात है। सुबह सवेरे अभी तो कितनी सहूलियात हैं कि आपके मोबाइल पे, टीवी पे जो है, स्मार्ट टीवी हैं, उन पर आप सुबह सवेरे जो जबूर हैं उनको प्ले किया करें। इट्स अ ग्रेट सोर्स ऑफ ब्लेसिंग। पाकलाम को आप, बाइबल मुकद्दस को आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल पे, और वहां पर आप इसको प्ले कीजिए, और जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं उस वक्त भी आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अगर अकेले हैं, अपने फैमिली के साथ हैं, तो प्रेज एंड वर्शिप किया करें, ज़बूर और गीत जो हैं उनको सुना करें, खुदा उनके जो पैगामात हैं, मुख्तलिफ जो खादम हैं उनकी जो रिकॉर्डिंग्स हैं उनको सुना करें। तो इस तरीके से खुदावन जो है वो हमें बरकत देता है, क्योंकि खुदावन का कलाम हमें बताता है कि ईमान जो है वो सुनने से पैदा होता है और सुनना खुदावन के कलाम से। मैं अभी रिसेंटली तो नहीं, खैर साल से ज्यादा हो गया, तो मैं ट्रैवल कर रहा था अमेरिका से, जब मैं वापस आ रहा था यूके, तो मेरे साथ एक नौजवान यहूदी जो लड़का था वो बैठा हुआ था। तो मेरी जब उससे बातचीत हुई तो उसने मुझे बताया कि वाज ऑन द हॉलीडेज, ही लिव्स इन लंदन। तो जैसे ही उसका टाइमिंग जो थी, क्योंकि यहूदी जो है ना वो दिन में तीन बार जो है वो, जैसे मुस्लिम जो है वो इबादत करते हैं, दुआ करते हैं, पांच बार तो नमाज पढ़ते हैं, तो ऐसी उनकी भी टाइमिंग है। तो वो लड़का खड़ा होके जहाज में, और वो जो ओल्ड टेस्टामेंट था उसको खोलता और उसको तिलावत करता अपने हिब्रू में, और फिर वो दुआ करता। तो आई वाज सो इम्प्रेस्ड बाय हिम। तो मैं देख रहा था कि कैसे वो कमिटेड था, एंड ही वाज नॉट इंटरेस्टेड कि वो, चल वो जो टीवी वगैरह लगा होता है जहाज में उसको देखे, वो अपने बस वो जो थी किताब थी उसको पढ़े जा रहा था तौरात को। जब हम यरूशलम गए तो जो उनकी जो एयरलाइन है, जोश एयरलाइन जो है, उसमें हम ट्रेवल कर रहे थे, और यू बी सरप्राइज के देयर वाज नो टीवी। जितने भी वो लोग थे वो सारे जो अपनी तौरात की किताब है उसको निकालते, तिलावत करते, और देखिए हम सोचेंगे ओ भाई साहब ये तो दिखावा है, नहीं 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 ऐसी बात ना सोचें, वो खुदाओं के कलाम पर अमल करते हैं। खुदावन ने यशुआ से ये कहा कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, तुझे दिन और रात इसी का ध्यान, ना तुझसे दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, तभी तुझे खूब कामरानी की राह नसीब होगी। इट्स अ प्रॉमिस विद दैट। और आप देखें कि आज पूरी दुनिया में एक छोटा सा खिता है, आप पूरे दिन में इसको भेज सकते हैं, घूम सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, और खुदावन ने इस गल्ला को
इस कौम को बहुत बरकत दी है, क्योंकि उन्होंने खुदावन से कौमें मांगी है। खुदावन ने कहा कि तुम मुझसे मांग और मैं तुम्हें उम्मतों का फरमारुआ बनाऊंगा। हम पता नहीं खुदा से क्या मांगते रहते हैं, छोटी छोटी चीजें, खुदावन ऐ कर दे, खुदावन वो कर दे। हर रोज सुबह सवेरे वो एक आई वॉन्ट मेंटेलिटी के साथ दुआ करते हैं, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दैट, आई वॉन्ट दिस। उन्होंने कौमें मांगी है और खुदावन ने अपने वादे को पूरा किया है, अपने कॉविनेंट को जो खुदावन ने अहद बांधा था, खुदावन ने इब्राहिम से जो अहद किया, खुदावन ने उसको पूरा किया कि मैं तुझे कौमों का बाप बनाऊंगा। अजीजो, नए अदाम जब हम आते हैं, खुदावन ने हमें अपने खानदान में शामिल किया, हम उसके बेटे और बेटियां बन गए। यू आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। और हम छोटी छोटी चीजों के लिए सोचते रहते हैं, फिक्रमंद रहते हैं। जबूरनी से कहता है कि आजमा कर देखो कि खुदावन कैसा मेहरबान है। शेर बबर का बच्चा तो हाजतमंद और भूखा होता है, लेकिन मेरा ताल्लुक किसी नेमत का मोहताज ना हो। खुदावन बहुत मेहरबान है, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है। मैं आज सुबह जब शुक्रगुजारी की दुआ कर रहा था, तो मैं ये सोच रहा था, मैं दिल से इस बात को महसूस करते हुए खुदा की शुक्रगुजारी कर रहा था कि जब मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप उन गरीब बच्चों की मदद करें जो कि जरूरतमंद है पाकिस्तान में है, तो मैं सोचा था कि चले कोई बात नहीं, कोई कर लेंगे थोड़ा सा 50-60 बच्चों के लिए, जहां तक भी हो सका हम उनकी मदद करेंगे। लेकिन मैं खुदा का शुक्रगुजार हूं कि हमारा खुदा इतना बड़ा है, यू आर एबल टू डोनेट दिस गिफ्ट मोर देन 200 चिल्ड्रन। यू बी सरप्राइज, एक हफ्ते के अंदर अंदर आपने उन लोगों के लिए सोचा, आपने प्यार किया, इससे बड़े काम आप कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरत इस बात की है कि खुदा पर भरोसा करने की। जब आप खुदा पर भरोसा करेंगे तो खुदा आपको बड़ी बरकत देगा। आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि आपने इनिशिएटिव लिया, आपने मेरे साथ दिया, हेल्प की, सपोर्ट की। जब कोई आप अच्छा काम करना चाहते हैं तो खुदावन जरूर उसमें आपकी मदद करता है। खुदावन का कलाम बताता है कि जो नेकी करना जानता है और नहीं करता, ये उसके लिए गुनाह महसूब होता है। जो भलाई करना जानता है, नेकी करना जानता है, वो नहीं करता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जानते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं करते। तो गुनाह ये नहीं है कि आप किसी की चोरी कर लें या किसी को थप्पड़ मार दें या कत्ल कर दें। गुनाह ये भी है, यकूब के खत में देखते हैं कि अगर तेरा भाई भूखा है, नंगा है, जरूरतमंद है, और आप उससे कहें जा खा पी, शेर हो, गर्म हो, और अमली तौर पर कुछ ना करें, तो ऐसा ईमान मुर्दा है। बगैर ईमान के ईमान जो है वो मुर्दा है। ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है। ईमान बहुत खूबसूरत बात है। हमें ईमान से निजात मिलती है, रास्तबाज ईमान से जिंदा रहेगा। लेकिन ये जो रूह के फल हैं, नेकी, परहेजगारी, ईमानदारी, दूसरों की फिक्र करना, इनको भी अपनी जिंदगी में जरूर अमल में लाया करें। दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है, और अगर मेरी जिंदगी में फल नहीं है, दूसरे से लुत्फ अंदोज नहीं हो रहे जिंदगी से, क्या फायदा है? ये जिंदगी बहुत महदूद है, वेरी शॉर्ट, बुखारात की मानंद है, घास की मानंद है, लाम बताता है। तो अपनी महदूद जिंदगी में दूसरों के काम आए, उनकी मदद करें, जैसे भी आप कर सकते हैं। और ये क्रिसमस हमें ये सिखाता है। मैंने भी शुरू में आपसे ये बात की, गुनाहगार लोगों ने, इंसानों ने उसको रद्द कर दिया, लेकिन उसने गुनाहगारों को गले लगाया। वो आज भी दावत देता है, वो आज भी बुलाता है। इब्ने आदम गुनाहगारों को, खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। आइए उसकी दावत को कबूल कीजिए। हम ये खूबसूरत कैरल आपके लिए पेश करते हैं और आप खुदा उनके पाक कलाम को सुनिए। लूक चैप्टर 1 वर्स 26। छठे महीने में
जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी और उस कुंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावन तेरे साथ है। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी ये कैसा सलाम है। फरिश्ते से कहा, मरियम खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यस्सु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और खुदावन खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त से देगा और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा, उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। मरियम ने यूसुफ फरिश्ते से कहा, ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। और फरिश्ते ने जवाब में से कहा कि रूह कुद्दस तुझ पर नाजुल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और इस सबब से वो मालूदे मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा और देखते रिश्तेदार अलिशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है और अब उसकी जो भांज कहलाती थी छठा महीना है, क्योंकि जो कॉल खुदा की तरफ से है वो हरगिज बेतासीर ना होगा। मरियम ने कहा, देख मैं खुदावन की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो। अब फरिश्ता उसके पास से चला गया। खुदावन के जिंदा पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदावन की बरकत हो, आमीन। आइए हम दुआ मांगे। खुदा बुजुर्ग पाक खुदा तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं तेरे खूबसूरत अल्फाज के लिए, तेरे मुंह की बातों के लिए, तेरे जिंदा कलाम के लिए जिसमें जिंदगी है, इत्मीनान है, सुकून है। खुदा उन इल्तिजा करते हैं कभी जब हम तेरे कलाम को सीखते हैं तो खुदा उन तेरे पाक रूह की मामूरी चाहते हैं। अपने लोगों को बड़ी बरकत देना, यीशु के बाबरकत नाम में, आमीन। अजीजो बासित खादम, जब लोगों से मुलाकात होती है और लोगों की जो राय सुनने को मिलती है, जब गुफ्तगु होती है, उनके ख्यालात जब सुनने को मिलते हैं, तो बहुत समझ लें कि एक चैलेंज मैं इसको समझता हूं, कैसे लोगों को जो है इनकरेज किया जाए, कैसे उनकी हिम्मत बंधाई जाए, स्पेशली इन दीज डेज व्हेन द फियर इज रूलिंग अपॉन द हार्ट ऑफ द पीपल। लोग देखिए, मतात होना और बात होती है, खौफ ज़दा होना और बात होती है, बेईमानी और चीज है, खाइफ होना और बात है, शक होना और बात है। ये मुख्तलिफ हालतें हैं इंसान के दिन। खुदा यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे और वो शागिर्दों पर जाहिर हुए तो तौमा ने कहा कि जब तक मैं उसके जख्मों को खुद देख ना लूं, उस वक्त मैं यकीन नहीं करूंगा। उसे खुदावन के जख्मों को छुआ और फिर उसने इसको सेजदा किया और कहा, आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदा। तो ये बेईमानी नहीं थी, ये शक था। और शक करना जो है वो कोई गुनाह नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं, वो पता नहीं ये बहुत बड़ा गुनाह हो गया। उसने गुनाह नहीं किया, ये एक इंसानी हालत है, दैट्स अ पार्ट ऑफ अवर इमोशन। जैसे हम गुस्सा करते हैं तो गुस्सा आना भी कोई बुरी बात नहीं है, कोई ऐसे ये इंसानी हालत है, आपको किसी बात पे भी गुस्सा आ सकता है। लेकिन खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है, पौलुस ये फरमाते हैं, गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो, सूरज के डूबने तक हमारी खपकी जाती रहे। खुदा यीशु मसीह को गुस्सा आया, उन्होंने रस्सी का कोड़ा बनाया और वो लोग जो तजारत कर रहे थे खुदा के घर में, उसने उनको वहां से मार भगाया। दैट वॉज अ कंस्ट्रक्टिव तामीरी एंगर, गुस्सा एक होता है डिस्ट्रक्टिव एंगर, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, तबाही के लिए।
जैसे आप बच्चों पर गुस्से होते हैं उन्हें समझाने के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, तो देयर इज नो हार्म इन दैट। तो इसी तरह जो दो तरह का जो खौफ है, एक आप उसको कह सकते हैं एहतियात कह सकते हैं, उसका दूसरा नाम मैं ये दे सकता हूं एहतियाती तदाबीर जो है, वो जो कि रियलिस्टिक होते हैं, हकीकत पसंद होते हैं, उस बात को समझते हैं। अगर आप रोड पे जा रहे हैं, आप लाइट्स को फॉलो कर रहे हैं, आप जो स्ट्रीट साइंस हैं उनको फॉलो कर रहे हैं, तो आप एहतियात करते हैं, तो ये खौफ नहीं है, ये एहतियात है। एक खौफ होता है जो कि जानलेवा इसको कहा जा सकता है ना, और वो खौफ अननेसेसरी, उस खौफ में कोई बुनियाद नहीं होती, सच्चाई नहीं होती। एक शख्स दौड़ा जा रहा था, शोर करता जा रहा कि जी फ्लड आ गया है, डैम टूट गया है, बहुत सारे लोग जो हैं वो घरों से निकले और भागे और वो भी उसके साथ भागना शुरू हो गए। तो एक बुजुर्ग जो थे वो खड़े थे सड़क के किनारे, उन्होंने देखा कि लोग भागे जा रहे हैं, जी फ्लड आ गया, जी डैम टूट गया, जी फ्लड आ गया, जी डैम टूट गया। उन्होंने कहा यार रुक जाओ, थम जाओ, क्या हो गया, किधर कौन सा डैम टूटा है, किधर से फ्लड आ गया। वो बंदा कहने लगा जी वो ये कह रहा जी फ्लड आ गया, वो तो सैलाब आ रहा है, डैम टूट गया। बुजुर्ग बोले, कहने लगे इधर आओ मेरे पास आओ थोड़ी देर मेरी बात सुन लो। उन्होंने कहा भाई मैं इस टाउन में इस जगह पर एक लंबे अरसे से रह रहा हूं, और जहां तक मेरा नॉलेज है यहां पर तो कोई दरिया ही नहीं है, कोई डैम ही नहीं है, तो टूटेगा क्या। तो सब ने एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखना शुरू किया। तो उन्होंने कहा यार बात तो इन बुजुर्गों की ठीक है। उन्होंने वो भला आदमी जो था उससे पूछा भाई तू तुझे क्या हो गया, तू कुछ कहता नहीं, मुझे तो ख्वाब आई थी। जा भाई तेरे, तूने सबको जो है ना डरा दिया ऐसे। अब वो लोग जो कि अपने घरों को छोड़ के भाग निकले, ना उन्होंने हकीकत में देखा कि यार वहां पे कोई ऐसा डैम है भी है या नहीं है। तो बहुत दफा हम सुनी सुनाई बातें, ऐसी थियरीज जो है उन पर कान धरते हैं जिसमें कोई सच्चाई नहीं होती, बेबुनियाद। और बहुत सारे लोग जो है मैंने बताया कि ऐसे ही बस वो न्यूज को देखी, कोई फेसबुक पे वो देखा किसी ने डाल दिया कुछ, तो बस वो जी उसको ऐसे तो वो स्प्रेड करते हैं गॉसिप। इसलिए मैं कहता हूँ कि देखें टीवी देखना कोई बुरी बात नहीं है, अगर मैं भी देखता हूँ, लेकिन ये जो होते हैं ना ऐसी किस्से कहानियां बेबुनियाद बातें, उनको मत कंसिडर किया करें। ये जो खबरें होती हैं इस तरह की सुबह से उठ के, तो किसी ने कुछ खबर सुना दी, किसी ने कुछ कह दिया। पिछले दिनों एक थ्योरी किसी ने पेश की कि जी वो ये जो लोग वैक्सीन ले रहे हैं ये 2 साल के बाद जो लोग मर जाएंगे, जी 2 साल के अंदर अंदर दुनिया खत्म हो जाएगी। यार आप खुदा बने हुए हैं। तो ये जो खौफ है ये इंसान को खाए जा रहा है। बहुत सारे लोग अपने कारोबार के बारे में फिक्रमंद हैं। अब वो लोग जो कि कुछ भी नहीं करते, घरों में बैठे हुए हैं जी बेकार, उनको पता नहीं क्या खौफ है, जिन्होंने कहीं जाना आना नहीं है, टिकटें महंगी हो गई हैं जी, वो फ्लाइटें बंद हो गई, भी आपने कहीं जाना है भाई, दूसरों के अंदर भी खौफ पैदा कर रहे हैं। मैंने वो बताया था किसी ने वो फनी वीडियो भेजी कि एक आदमी जनाब वो खड़ा है और वो पेट्रोल स्टेशन पे बहस कर रहा है कि देखो जी पेट्रोल महंगा हो गया है, और पाकिस्तान की वीडियो भेजी। तो क्या तुझे क्या प्रॉब्लम है, पेट्रोल महंगा हो गया था जी, देखे ना जी ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगी। तो वो साइकिल लेके खड़ा था और बातें पेट्रोल महंगा होने की कर रहा है, भाई आपको क्या फिक्र लाहक हो गई। तो बहुत सारे लोग जो है वो जिन जिन बातों से आपका कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं है, आप उन बातों के बारे में दूसरों को भी खौफजदा कर रहे हैं, खुद भी खौफजदा हो रहे हैं। इस क्रिसमस के मौका पर आज जो मैं बात आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो ये कि जब खुदा यीशु मसीह की पैदाइश हुई बहुत सारे लोग जो हैं वो खौफजदा थे। अंजील मुकद्दस में, लूका के अंजीली बयान में, मत्ती के अंजीली बयान में हम बहुत सारे कैरेक्टर जो हैं उनको देखते हैं। 4 दफा ये लफ्ज खुदावन की पैदाइश पर ये इस्तेमाल हुआ, खौफ ना कर, मत डर।
और ये लफ्ज बाइबल मुकद्दस में फ्रॉम जेनेसिस टू रेवलेशन पदाइश से लेकर मुकाशवा तक ये लफ्ज 365 मरतबा आया। हर रोज के लिए ये लफ्ज, मैं लीपेल की बातें कर रहा, हर रोज के लिए ये लफ्ज है। खौफ न कर, मर्डर, हम भी खौफ करते हैं, हर रोज खुदावंद हमें कहता है मर्डर, खौफ न कर। अब खुदावंद की जब पदाइश हुई तो उसमें हम कुछ करैक्टर जो हैं उनको देखते हैं जो कि खौफजदा थे, और इस क्रिसमस पर हम इस बात को अपने जहन में रखें, एंजाइटी फ्री क्रिसमस, फियर नॉट, डोंट बी अफ्रेड, दिस मैसेज शुड बी इन आवर हार्ट एंड यू नीड टू स्प्रेड दिस। आपको उस पैगाम को लोगों तक पहुंचाना है। पहला जो हम देखते हैं शख्स, शख्सियत खुदाओं के जिंदा पाक कलाम में, हम देखते हैं कि जब मुकद्दसा मरियम को यह पैगाम दिया गया कि तू हमला होगी और तू बेटा जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा, तो मरियम और यूसुफ को जब यह पैगाम मिला तो दोनों ही खौफजदा थे। मरियम इसलिए खौफजदा थी कि कहा यह जाता है, ट्रेडिशनल ये है कि वो 13 से 15 साल की उनकी उम्र होगी लड़की जिसको ये पैगाम दिया जाए। कहती कि मैं तो मर्द को नहीं जानती, तो कैसे मुमकिन। Naturally, there was a fear in her heart. लोग क्या कहेंगे। अच्छा ये बड़ी प्रॉब्लम है यार, इससे मुझे बड़ा जो ना मुझे बड़ी कोफ्त होती। कोई काम करने लोगों, घर में भी बाहर भी लोग एक बात कहते, लोग क्या कहेंगे जी, यार लोग ही कहेंगे छोड़ दो, लोगों का काम है कहना, कहने दो। आप जो काम खुदावन कहता है उसको करें। अब ये बड़ा मसला है, कोई भी बात हो, कोई शादी ब्याह हो, कुछ करना हो, घर लेना हो, कोई भी चीज लेनी हो, पहले लोगों का जहन में होता है कि लोग क्या कहें। तो ये एक बड़ा मसला था। अब खासतौर हमारे मशरक की कल्चर में भी बहुत बड़ी मुश्किल है, बच्चे नहीं हो रहे जी, लोग क्या कहेंगे। यार कोई बात नहीं, सब्र कर लो, 6 महीने शादी को नहीं होते और जी लोग क्या कहेंगे, बच्चे नहीं हुए अभी तक, बच्चे हो जाते फिर लो जी इनका क्या करना है जी, शादी नहीं हो रही, लोग क्या कहेंगे। जूल लोगों की बातों पे हर वक्त सोच सोच के अपनी जान जो है ना उसको खराब करते रहते हैं, दिमाग खराब करते रहते हैं, लोग क्या कहेंगे, कहीं जाना है जी, तैयार होना है, लोग क्या कहेंगे, कर्ज ले लेके अपनी जो है ना वो बढ़ाई चाह रहे हैं लोगों के दरमियान, लोग क्या कहेंगे। मैं अमेरिका में जब गया तो वहां पर मैंने देखा कि लोगों ने बड़ी खूबसूरत बड़ी बड़ी गाड़ियां रखी हुई हैं, बड़े बड़े घर भी हैं और बड़े एक्सपेंसिव किस्म के सोफा सेट और ये वो सारा। तो मेरे नेफ्यू मुझे बताने लगे, कहने लगे कि मामू जी ये देखें लोगों की जो हालत है कि बहुत सारे लोग वो हजारों डॉलर के जो है वो कर्जई हैं और उसके लिए रात दिन मेहनत करते हैं। अच्छा जी उसने 60 इंच का टीवी ले लिया तो हमारे पास 40 इंच का क्यों है, उसने वो मर्सिडीज खरीद लिया उसके पास स्पोर्ट्स कार है तुम्हारे पास नहीं है, तो हम जब जाएंगे लोग क्या कहेंगे। और इस क्रिसमस के मौका पर अजीजो, थिंक अबाउट योर रिसोर्सेज, स्टे इन योर रिसोर्सेज, जो कुछ भी आपके पास है जो आप अफोर्ड कर सकते हैं वो करें, और ये जो अपने क्रेडिट कार्ड हैं इनको यूज कर करके बाद में परेशान होना, ये फैक्ट है कि जी वो लोगों ने आना है, लोगों की तरफ जाना है, आना है, तो अपनी हैसियत से बढ़कर खर्च कर देना और बाद में परेशान होना, और ये बहुत डेंजरस है। बहुत सारे लोग जो के डेट का शिकार हैं, कर्जे का शिकार हैं, बहुत सारे लोग खुदकुशी कर लेते हैं, बहुत सारे झगड़े पैदा होते हैं, तो लोगों की बातों पर ध्यान दिया करें। ये बात मुकद्दसा मरियम के मन में भी थी, यूसुफ के मन में भी थी कि जी लोग क्या कहेंगे।
तो खुदावन ने पहले से ही उनको इस बात के लिए तैयार कर दिया, उनको बताया फरिश्ते के जरिए कि आप खौफ ना करो, डरना नहीं, ये मेरा प्लान है, ये मेरा मंसूबा है। दूसरी जो हम शख्सियत देखते हैं वो हेरोदेस है। अब हेरोदेस अपने स्टेटस के बारे में, और कहा जाता है कि ही वॉज सच ए क्रूअल पर्सन कि उसने अपने बच्चों को भी मरवा दिया और अपने भाई को भी मरवा दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था क्योंकि और उसकी जगह ले। बेसिकली ये अरेबियन इसकी जो बैकग्राउंड थी वो थी, he was not Jew, और लोग इसको पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो यहूदियों पर उसका तसल्लुत था। तो वो इस बात के लिए खायब था कि मेरी पोजीशन को ले लेगा। अब दो चीजें इस खौफ के वाले से मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। एक तो मुकस्सा मरियम और यूसुफ के किरदार को हम जब देखते हैं, खौफ क्यों इंसान करता है? जब लोग वाइल्डली आपको एक्सेप्ट नहीं करते, आपके आपका जो टैलेंट है, आपका जो गिफ्ट है, जो ब्लेसिंग है, उसको लोग अगर एक्सेप्ट नहीं करते तो आप खौफ में रहना शुरू हो जाते हैं। आप कहते हैं जी मेरी क्या हैसियत है, मेरे 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 अंदर कोई ऐसा टैलेंट नहीं है, और लोग अपने उस टैलेंट को, उस अपनी जो गिफ्ट है उसको दबाए रखते हैं, बिकॉज पीपल वाइल्डली दे आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट। अब देवर बोथ वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट दैट, जोसेफ एंड मेरी, देवर फुली अवेयर, देवर कॉन्फिडेंट, बिकॉज उनके बारे में लिखा है कि यूसुफ के बारे में मर्द रास्तवाल था, he was a righteous person, और मुकस्सा मरियम खुदावन से बहुत प्यार करती थी। देवर फुली कन्विंस कि जो कुछ भी है वो खुदावन की तरफ से है, और उन्होंने इस बात को लिखा है कि अपने दिल में रखा। जब खुदावन आपको कोई प्लान देता है, मनसूबा देता है, तो उसके लिए भी आप बड़े केयरफुल हुआ करें, उन चीजों को अपने दिल में रखा। वो हमारे आर्मी में एक स्लोगन होता था, वो पोस्टर एक लगा होता था दीवारों पर, जिसने अपना राज छुपाया उसने अपनी मंजिल को पाया। दीवारों के भी कान होते हैं, ये पोस्टर लगे होते थे। तो ये और टेलीफोन पर गुफ्तगू जो है महफूज नहीं है, तो ये हमारे जनरल हेडक्वार्टर में वहां पर ये पोस्टर जो है वो ऑफिस के अंदर लगे होते थे। तो यूसुफ को हम जब देखते हैं पुराने अहदनामा में, तो यूसुफ की गलती क्या थी? उसने अपने भाइयों को अपना ख्वाब बता दिया, चलो जी आपके पोले जो है मेरे पोले को जो है वो सीधा कर रहे हैं। तो भाइयों ने कहो, बाप भी नाराज हो गया, ओ तू क्या चाहता है कि हम सारे तुझे सीधा करें, हम तेरे मती होंगे। तो भाइयों ने उसको मार के गड़े में डाल दिया, और फिर बाद में उसको इस्माइलियों के हाथों भेज दिया। खुदावन ने हर गड़े के बाद जो है माल रखा होता है, खुदावन उसको सरबुलंद किया। लेकिन उसकी गलती क्या थी? प्रीमैच्योर बातें, अपने ड्रीम जो है वो लोगों के साथ उसने बांट लिया, अपने भाइयों के साथ। तो जब खुदावन आपको कोई प्लान देता है, कोई मंसूबा देता है, तो उस पर थोड़ा सा सब्र कर लिया करें, और उसको इतनी जल्दी से आप लोग एक्साइटेड हो तो खुदा ही चाहता है, खुदा ही चाहता है। शैतान जो है ना वो बड़ा तेज है। तो इन दोनों ने ईमान से इस बात को कबूल किया और उसको अपने दिल में रखा। अब जो हेरोदेस है वो भी खौफजदा था अपने स्टेटस के हवाले से कि भी मेरा क्या होगा, भी अगर बादशाह जो पैदा हो गया। और लिखा है कि मैंने आपको बताया था कि जो लोग थे वो भी घबरा गए, नॉट ओनली हेरोद बट ऑल द पीपल दोज हु आर अराउंड देयर, दे वर फ्राइटेंड कि यार ये कौन सा बादशाह पैदा हो गया अभी। और आज भी दुनिया में लोग बड़े घबराए हुए हैं कि जी मसीह बड़ी तेजी के साथ फैल रही है। इंडिया में आप देखिए पूरे पूरे गाँव जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं। मैं एक अभी पिछले दिनों एक वीडियो देख रहा था पुजेवाल में, जो खुदावन के खादिम है वहां पर, और मैं उनको देख रहा था कितना लंबा जुलूस था उनका, और लोग जो है वो खुदा की तारीफ करते हुए जा रहे थे। he himself is converted, वो भी जो सिख कन्वर्ट है, और भी बहुत सारे वहां पर खुदा के खादम। इस तरह पाकिस्तान में और दिग्गर जगहों पर जिस तेजी के साथ मसीहत फैल रही है, आप कोरिया में देख लें पिछले 40-50 सालों में नंबर किस तरीके से इंक्रीज हुए हैं। तो शैतान जो है वो नहीं चाहता कि इस तरीके से हम आगे बढ़ें, और उसके अंदर शैतान जो है वो एक्चुअली द फियर इज द ग्रेटेस्ट वेपन ऑफ द डेविल।
ये जो खौफ है ना, ये शैतान का बहुत बड़ा हथियार है, खौफ पैदा करता है। टेररिस्ट जो है, देख रहे हैं, टेरर का मतलब ये है, खौफ पैदा करना, दहशत पैदा करना। वो बम ब्लास्ट करके, सुइसाइड बम्बर, दे आर ट्राइंग टू क्रिएट फियर, टेरर अमंग द पीपल, लोगों के अंदर खौफ पैदा करना। चलिए हमारी बात नहीं मानेंगे, हम इतने लोगों को मार देंगे। वो कहते हैं मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, वो जो इतने खौफ पैदा करने वाले थे, सामा बिन लादेन जैसे और जो टेररिस्ट से बड़े बड़े, कोई उनको याद भी नहीं करता, आज उनका नाम भी कोई लेना नहीं पसंद करता। तो हेरोदेस जो है उसके अंदर खौफ था। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो गडरिए थे, चरवाहे जो थे, वो कुछ लोग होते हैं जो कि एक तब्दीली को जो है ना वो पसंद नहीं करते, वो खौफ आ जाता उनके अंदर। सो दीज पीपल, दोज वर लुकिंग आफ्टर द शेपर्ड शीप, यू नो दे वर शेपर्ड। तो वो जो निगहदाश्त कर रहे थे भेड़ों की, जब उनको ये खबर दी गई, उनको भी ये कहा गया कि खौफ ना, आज तुम्हारे लिए एक मुनजी जो है वो पैदा हुआ है। तो वो जो भेड़ों को तैयार करते थे कुर्बानियों के लिए, पता नहीं कब से वो करे जा रहे थे, एंड दे वर वेटिंग फॉर द मसाया, कि जी मसाया जो आएगा वो हमें मखल से रहाई देगा। शायद हो सकता कि वो मजदूर हों, मालिक ना हों। कब से वो बेचारे रात को बैठे हुए भेड़ों की निगहदाश्त करते थे। सम पीपल दे आर नॉट रेडी फॉर चेंज, वो तब्दीली को, मैं वो तब्दीली की बात नहीं कर रहा जो पाकिस्तान, पता नहीं कब से वो आ रही है, जो तब्दीली आ रही है, पता नहीं कहाँ से आए गए वो, कौन से जहाज पे आ रही है। तो लोग बेचारे परेशान हाल है वहां पे। तो कुछ लोग जो होते हैं वो चेंज जो है अपने माहौल में, अपनी जिंदगी में, उसको वो पसंद नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये जो चरवाहे थे उनको भी ये बता दिया गया, तो भी खौफ ना करना, तुम्हारे लिए आज निजात जिंदा जो पैदा हुआ है, जाकर तुम उसे देखो। और वो गए और उन्होंने जाकर तो उसको सजदा किया। तो ये जो हम देखते हैं कि तबकात थे जिनके अंदर जो है वो खौफ पाया जाता था। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इस 21st सेंचुरी में, इस 21वीं सदी में, जबकि हम देखते हैं कि सहूलियात हैं, हमें वेल इन्फॉर्म जो है वो रखा जाता है टीवी के जरिए, न्यूज के जरिए, अखबारात के जरिए, इंटरनेट के जरिए, ऑल द टाइम आप जो न्यूज जो है वो देख रहे होते हैं, आपको पता होता है कि इर्द गिर्द के माहौल में क्या हो रहा है। तो ऐसे माहौल में जबकि लोग जो है वो खौफ सदा है, हम इस खौफ से कैसे बाहर आ सकते हैं। फ्यू थिंग्स विच आई वुड लाइक टू शेयर विद यू इन कनेक्शन ऑफ दिस सब्जेक्ट। एंजाइटी जो है, जो खौफ है, उससे आप कैसे बाहर आ सकते हैं। पहली जो बात है वो खुदावन का जिंदा पाक कलाम है। खुदावन का पाक कलाम जो है, जब आप पढ़ते हैं, जब आप सुनते हैं, तो ये उस खौफ को जो है वो खत्म करता है। इसी तरह कभी बाइबल मुकद्दस जो है, इट्स अ बेस्ट सेलिंग बुक इन द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली, सबसे ज्यादा खरीदी जाने वाली जो किताब है वो बाइबल मुकद्दस है। क्यों? इसलिए कि लोगों को इसमें हर तरह का नॉलेज जो है मिलता है, हर तरह की एडवाइस पाई जाती है। इसको अल किताब कहा जाता है, बिब्लियन, किताबों की किताब। आपको अगर फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए, अगर आपको रिलेशनशिप के बारे में एडवाइस चाहिए, आपको अपने फ्यूचर के बारे में एडवाइस चाहिए, आपको अपने हेल्थ के बारे में एडवाइस चाहिए, इस किताब में जो खुदावन का जिंदा कलाम है, आपको हर तरह की एडवाइस जो है मिलेगी, फ्रॉम जेनेसिस टू रेवलेशन। आप कोई भी बात जानना चाहते हैं, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, इट डिपेंड अपॉन योर स्टडी कि आप किस हद तक इसको पढ़ते हैं। आप अपनी बीमारी से परेशान हैं, आप अपने फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से परेशान हैं, आप पॉलिटिकल जो ऑपरेशन है उसकी वजह से परेशान हैं, आप प्रोसिक्यूट किए जा रहे हैं प्रोसिक्यूशन की वजह से, कोई भी इजहार आसानी है। When you are meditating upon the word of God, when you are reading the scripture, it gives you so much strength. खुदा का पाक कलाम जो है वो आपके ईमान को बढ़ाता है, आपको लिफ्ट अप करता है। और ये हकीकत है, जब भी आप परेशान होते हैं, जब भी आप खौफजदा होते हैं, गो बैक टू द वर्ड ऑफ गॉड,
आप देखिए फ्यूनरल पर लोग परेशान हाल होते हैं, दुखी होते हैं, बट वेन पीपल दे आर रीडिंग द स्क्रिप्चर, चाहे वो ज़बूर 23 है, कोई भी खुदा का पाक कलाम है, उसका हिस्सा है, यूहन्ना की अंजीली में उसका 14 बाब बड़ा खूबसूरत है, रेवलेशन चैप्टर 1, खौफ ना कर, देख मैं मर गया था जिंदा और अब्दुल बाद जिंदा रहूंगा, मौत और आलमिरवा की कुंजियां मेरे पास है, यूहन्ना उसका 14 बाब उसकी पहली आयत, तुम खुदा पर ईमान रखते मुझ पर भी ईमान रखो, तुम्हारा दिल ना घबराए, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, मैं जाता हूं ताकि तुम्हारी जगह तैयार करूं ताकि जहां मैं हुआ तुम भी, राह और हक और जिंदगी मैं हूं, ज़बूर 23, खुदा मेरा चुपान है मुझे कमी ना होगी, वो मुझे हरी चरागाहों में बिठाता है, मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है, क्या खूबसूरत आयात है, खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजरो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है, तेरे असर तेरी लाठ से मुझे तसल्ली और इत्मीनान है, तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरा आगे दस्तरखान बजाता है, मेरा प्याला लबरेज होता है, यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी और मैं हमेशा खुदा के घर में सुकून करूंगा। कौन कौन से हवाला जात में आपको हर एक सहीफा खुदा के इल्हाम से है, नसीहत के लिए, सलाह के लिए, तरबियत के लिए है। तो खुदा का पाक कलाम जो है वो उस खौफ को दूर करता है, आपके ईमान को बढ़ाता है। दूसरी जो बात है जिसके जरिए आप इस खौफ में से बाहर आ सकते हैं वो है प्रेयर, दुआ करना। खुदा इस मसीह ने शागिर्दों को कलाम भी समझाया लेकिन इसके साथ साथ खुदावन ने उनको दुआ करना सिखाई, दुआ करना, और खुदावन खुद भी हमें दुआ करते हुए नजर आते हैं। When you are praying to God, you are talking to Him, you are opening your heart to Him, आप अपना दिल उसके सामने खोलते हैं, आप उससे मांगते हैं और वो देता है, क्योंकि उसका ये वादा है कि मांगो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। जब आप दुआ करते हैं और दुआ जब आप यीशु के नाम से करते हैं, हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा, जो दुआ यीशु के नाम से मांगी जाएगी वो कबूल होगी। कहा भी अब अगर तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे। अगर आप उसके पास आएंगे, जो भी आपके क्राइसिस है, जो भी आपकी मुश्किलात है, जो भी आपकी परेशानी है, इन द लाइट ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड आई कैन गिव यू अश्योरेंस यू विल फाइंड दैट, खुदावन आपकी मदद करेगा, आपको रिहाई देगा, खुदावन आपको मुक्ति देगा, खुदावन आपको कुव्वत देगा, खुदावन आपको ताकत देगा, लेकिन उसके लिए आपको खाकसारी की जरूरत है। खुदा ने बड़ी खूबसूरत बात कही, जब सुलेमान ने खुदा का घर बना लिया तो खुदा ने कहा कि बड़ी अच्छी बात है तूने मेरा घर बनाया, लेकिन खुदा से कहा कि तब मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें, अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनके ग्राहकों को माफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल करूंगा। देयर इज अ रेस्टोरेशन, देयर इज अ प्रॉमिस। अगर आप कलाम पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, खुदावन आपकी मदद करता है। तीसरी जो बात है विच इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वो है खुदावन का पाक रूप। हम पता नहीं उसको कहते ही नहीं है। खुदावन ने अपने शागिर्दों को कहा कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले तुम यरूशलम में ठहरे रहना। पतरस जो कि बड़ा खायब था, डरा हुआ था, 3 बार उसने खुदावन का इनकार किया, और जब वो खुदावन के पाक रूप से भर गया बाय द एम्पावरमेंट ऑफ द होली स्पिरिट, ही स्टूड इन फ्रंट ऑफ द लार्ज क्राउड एंड ही वॉज शेयरिंग द वर्ड ऑफ गॉड, द सेम पर्सन, सेम डिसाइपल हु वॉज फ्राइटेंड, हु वॉज फियरफुल, and he denied 3 times, 3 दफा उसने यीशु का इनकार किया, 1 बार, 2 बार नहीं, 3 बार, लेकिन वो एक बहुत बड़े ग्रोह के सामने खड़े होकर गुवाही दे रहा है खुदावन की, और उसकी उस कलाम से जो कि उसने पाखरू से मामूर कर दिया, 3,000 लोगों ने खुदावन यीशु मसीह को कबूल किया। अज़ीज़ो, if you are having difficulty in your lives, of course we are all having difficulties. Nobody can say that, oh, I don't have any problem.
आपको खुदावन के पाकरू की रहनुमाई की जरूरत है, उससे दुआ करने की जरूरत है कि खुदावन आपको एम्पावर करे, खुदावन आपको कुवत दे, ताकत दे। कहा मैं कभी भी तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। इन योर प्रॉब्लम यू नीड टू आस्क, यू नीड टू रिक्वेस्ट फॉर द होली स्पिरिट। वो पर्सन है, वो खुदा है। हम पता नहीं उसको क्या कोई इलेक्ट्रिसिटी समझते हैं, या हम समझते चलो बस ठीक है कर लें। इट्स नॉट अबाउट द पेंटिकॉस्टलिज्म, ये किसी डिनोमिनेशन की बात नहीं है। इट्स अबाउट द पर्सन ऑफ गॉड, ट्रिनिटी, यकनुमे सानी, खुदा का पाकरू जो हमें दिया गया है। अजीजो उसकी अशद जरूरत है। आइए अपनी तमाम मुश्किलात को खुदा के सामने रखें, खुदा के पाक कलाम पर ध्यान ध्यान करें। इन दिनों में बजाय आप न्यूज सुने पढ़ें गॉसिप्स, नौ खुदा के पाक कलाम को देखें, खुदा का कलाम क्या सिखाता है। अगर आपको समझ नहीं आती दुआ मांगे, खुदा के खादिमों से पूछें, खुदावंद से पूछें, खुदा के पाक रूह को अपनी जिंदगी में आने दें। वो तसल्ली इत्मीनान बख्शता है, वो कुवत बख्शता है, वो ताकत बख्शता है, वो दनाई बख्शता है, वो हिम्मत बंधाता है। खुदावन आपको इस खौफ में से बाहर निकाले, चाहे वो फाइनेंशियल क्राइसिस का है, चाहे वो रिलेशनशिप का है, चाहे वो किसी वबा का है। खुदावन उस खौफ में से आपको बाहर निकाले, खुदावन आपको बरकत बख्शे। आइए दुआ मांगे। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं कि तूने तमाम तरह के खौफ को दूर किया, और प्यार खुदावन तू हमारे दरमियान आ गया। खुदावन सच में तेरे आसार तेरी लाठी से हमें तसल्ली है, और अगर हम मौत के साया की वादी में से भी गुजरें तो तू हमारे साथ है। खुदावन तू हमारा हाथ थाम लेता है, खुदावन तू पानियों पर चलाता है, और खुदावन जब हमारी जिंदगी में तूफान आते हैं, मुश्किलात आती हैं, हवा और पानी तेरा हुक्म मानते हैं, खुदावन तू तूफानों को थमा देता है, खुदावन तू मुर्दों को जिंदा करता है। तेरा शुक्र हो, अंधे चलते, अंधे देखते और लंगड़े चलते हैं, खुदावन तेरा शुक्र हो कि तमाम तरह की बीमारियों पर तेरा कंट्रोल है, खुदावन तू तमाम वबाओं पर कंट्रोल रखता है। खुदावन हम इस वबा के लिए जिसने तमाम दुनिया को परेशान किया हुआ है, दुआ करते हैं पैर खुदावन से दूर कर, अपने लोगों के ईमान को बढ़ा, और इस क्रिसमस के मौका पर है खुदावन हम बड़े इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ हम पैर खुदावन से इनको सेलिब्रेट कर सकें। We are seeking true joy, which you are offering to your people. Give us such joy that we may rejoice in you and celebrate your coming in this world. Bless your people. Khuda, main bimaron ke liye dua karta hoon, jo bhi gharon mein sabtal bimaron ne kuvvat taqat de, buzurgon ke saath ho, bachchon ke saath ho, doctor nurses ke liye, police ke liye, teachers ke liye, प्राइम मिनिस्टर के लिए, दिगर तमाम लोगों के लिए, तेरे खादमों के लिए, कलीसियाओं के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदावन तुम सबके साथ, हमारे घरानों को अपनी पनाह में रख, खुदावन हर एक को बड़ी बरकत दे। यीशु के बाबरकत नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदावन इस सिखाई दुआ में हम सब मिलकर शामिल होंगे, जहां कहीं भी आप हैं आप मेरे साथ इस दुआ रबानी को दोहरा सकते हैं जो खुदावन ने हमें सिखाई है। आए हमारे पास, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात शाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज रोटी आज हम बख्श दे, जिस हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तो हमारे कर्ज हम माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत तो जरा हमेशा तक तेरे हैं, आमीन। खुदावन अपना चेहरा आप पर जगाकर फरमाए, खुदावन आपके बदन जान और रूह की हिफाजत करे, आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा। और अब हमारे खुदा मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शक अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। थैंक यू जी, खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। मैं जाते जाते सिर्फ आपको प्रोग्राम जो है वो बताता चलूँ कि जो क्रिसमस की जो इबादत हैं
मिड नाइट सर्विस जो है आपको मालूम है कि रात को हम 11 बजे न्यू ईयर ईव पे और न्यू ईयर क्रिसमस ईव पे रात को करेंगे, तो सेम टाइम है न्यू ईयर का भी और क्रिसमस का भी। सुबह क्रिसमस वाले दिन 10:30 बजे इबादत होगी इंग्लिश में और पाकशाह भी सर्व करेंगे, उसके साथ साथ पाकशाह की जो इबादत है वो 1 बजे भी होगी, और इसी तरह नए साल पर जो न्यू ईयर ईव की इबादत है वो 11 बजे रात को, और फिर हम मिलकर सुबह 10:30 बजे इंग्लिश में बात करेंगे और फिर 1 बजे। और इन तमाम इबादत को आप अपनी दुआओं में याद रखें, खुदा उन्हें आपको बड़ी बरकत दे, खुश रहें और खुश रखें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, बाय।